नमस्कार दोस्तों, अनुप्रति योजना की लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत सारे लोग एक वीडियो देखकर उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और उनको अगली वीडियो नहीं मिल पाती, फिर वो मैसेज करते हैं। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे सवाल कमेंट आ रहे थे कि अनुप्रति में शॉर्टलिस्टेड हो गए, सभी का नंबर आएगा, आगे क्या करना है, जिले में जाना है नहीं जाना है, और कोचिंग चेंज वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, और कोचिंग वहाँ पर कैसे होगी, क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहूँगा। बाकी अनुप्रति से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई इस चैनल पर, आप वो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के फॉर्म शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं, जो लिस्ट आई थी अभी, उसमें जितने भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं सबका नंबर आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है उनमें से बाहर निकालेंगे ही, लेकिन ज़िले में भी किनको जाना है ऐसा भी पूछ रहे हैं लोग। तो जो शॉर्टलिस्टेड हो गए थे, तो पिछले सप्ताह में एक दो दिन थे, उसमें बहुत सारे लोगों के वहाँ पर चेक कर दिए गए थे ज़िले में, और जिनके चेक नहीं किए गए हैं उनको इस सप्ताह में चेक कर दिए जाएंगे। वैसे 7 दिन का समय होता है कि जिला अधिकारियों द्वारा 7 दिन में वो चेक कर दिए जाने चाहिए शॉर्टलिस्टेड फॉर्म, मतलब जो जितने फॉर्म भरे जाते हैं उनमें से पहले शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उनको ही चेक किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को, मतलब अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटो वेरीफाई हुए थे उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था। हाँ, बहुत सारे लोगों के ऑटो वेरीफाई वाला सवाल भी था। जिन लोगों के ऑटो अप्रूव फॉर्म नहीं हो रहे हैं, उनके नाम वगैरह में कोई मिस्टेक होगी, मतलब जनाधार में अलग नाम होगा, मार्कशीट में अलग होगा, तो जिस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होती है वो ऑटो अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर द्वारा ही ऑटो अप्रूव किए गए हैं, मतलब कि फॉर्म को वेरीफाई किया गया है। जिनके फॉर्म में गड़बड़ है, मतलब कि मैच नहीं कर रहे हैं, ऑटो अप्रूव नहीं हुए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है, तो उन लोगों का जब जिला अधिकारी चेक करेगा DLO द्वारा, उस टाइम आपको ऑब्जेक्शन भेज दिया जाएगा और आपको जिला अधिकारी के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या हमें डॉक्यूमेंट लेके जिला में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्शन भी आएगा तो उसमें ऑनलाइन ही आएगा। जिन लोगों के शॉर्ट लिस्टेड है वो लोग अपने ऑब्जेक्शन का ध्यान रखें, SJMS में SSO में खोलकर देखते रहें स्टेटस, जहाँ शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है उसमें व्यू ट्रायल पर क्लिक करने पर जो लिस्ट से आती है उसमें ध्यान रखना, जैसे ऑब्जेक्शन में डले आपका ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना। ऑब्जेक्शन आते ही आपका एडिट का बटन चालू हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जिस भी डॉक्यूमेंट में एरर है वो आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑटो अप्रूव नहीं है अभी, मतलब क्रॉस आ रहा है वहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्शन आएगा ही, हो सकता है वो चीज़ वहाँ पर जिलाधिकारी देख ले खुद कि ठीक है नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है इसलिए ऑटो अप्रूव नहीं हुआ था, तो वो वहाँ से अप्रूव कर देगा कि ठीक है मैंने चेक कर लिया है। बाकी ऑब्जेक्शन आ जाए तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। जिला में जाने की ज़रूरत उनको पड़ सकती है जिनको बहुत ज़्यादा फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाए, तो तब आप अपने जिला के DLO के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्शन ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पा रहा है तो तुरंत आप जिला में DLO के पास जाएं और वो चीज़ सही करवाएं, क्योंकि आपका फॉर्म जो चेक करने की जिम्मेदारी होती है वो वहाँ पर जिला अधिकारी की होती है। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, किसको जिला में जाना है नहीं जाना है, ठीक है। और जिनके शॉर्टलिस्टेड होकर अप्रूव हो गया, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, उन लोगों को कोचिंग से कॉल आएगा आगे से, तब आपको कोचिंग जाना है। अभी से आपको किसी को नहीं जाना है, कुछ बोल रहे थे कि सर कोचिंग जाना है, कि अभी आपको नहीं जाना है, जो भी आपने नंबर दिया उस पर कोचिंग से कॉल आएगा तब आप कोचिंग जाएं। और कोचिंग चेंज कैसे करें, वहाँ पर जाना है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन में दिया हुआ है।